दोस्तों, एरोकैम का भारत में होना हमारे लिए फक्र की बात है और एरोकैम एक ऐसा ब्रांड है जिसको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने बेहतरीन प्रोडक्ट से हमेशा से अपने कंज्यूमर्स के दिलों पर छाप छोड़ती आई है। और आज भी हम इनके कुछ नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इन्होंने हाल ही में लॉन्च किए हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक, दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम बीस्ट। फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने एरोकैम के ताज सीरीज में शाहीपन को महसूस किया था, इनके इत्रों में उस शाहीपन को महसूस किया था, उसी तर्ज पर इन्होंने ताज सीरीज के डियोस को लॉन्च किया है, जिनको देखकर ही नहीं बल्कि सूंघकर भी आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा और वो होगा शाही। वेरी रॉयल, वेरी एलिगेंट एंड वेरी एलीट। और इस वीडियो में आपको ताज सीरीज के डियोस के साथ देखने को मिलेंगे इनके एग्जॉटिक सीरीज के 25 ml के रोल ऑन अतर्स भी। तो चलिए, एक छोटा सा प्रयास करता हूं आपको अपने शब्दों के जरिए इनकी खुशबू के साथ रूबरू करवाने का। वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दूं कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 25 ml के जो रोल ऑन अतर्स हैं इनकी एग्जॉटिक सीरीज की और जो ताज सीरीज के डियोज हैं, ये मुझे एरोकैम की तरफ से भेजे गए हैं मेरे फीडबैक के लिए और अगर मैं इसको अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकूं। तो इसलिए आज जो भी मेरा फीडबैक है या जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इनकी ताज सीरीज के डियोज में आती हैं चार खुशबुएं जिनके नाम है आमिर, उमार, जाफिर और करीम। और इनमें से कौन सा मेरा फेवरेट है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। शुरुआत करें इनके जाफिर डियो से, तो जो जाफिर है वो एक सिट्रसी, स्वीट और एम्बर बेस्ड डियो है। इसकी खुशबू आपको हो सकता है एक ऑरेंज कैंडी जैसी लगे, मतलब थोड़ी सी फ्रूटीनेस और थोड़ी सी क्रीमीनेस, और यही इस डियो का सार है। हो सकता है बीच में आपको हल्की सी कड़वाहट महसूस हो बट वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और जो लेफ्ट ओवर है वो मिठास से भरा हुआ है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव खुशबू नहीं है बट गुड इनफ टू वेयर। ओमार, ये डियो पूरा का पूरा पैकरोबेन के 1 million परफ्यूम का क्लोन है। और अगर मैं क्लोन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि उसके बहुत ही ज़्यादा करीबी स्मेल करता है एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। क्यों? बिकॉज अभी तक पैकरोबेन का जो 1 million परफ्यूम है उसका कोई भी बहुत ही ज़्यादा क्लोजली स्मेलिंग डियो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, इक्का दुक्का ब्रांड को छोड़कर। और आपका जो इस डियो के साथ तजुर्बा होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जब आप इसको लगाएंगे आप इसमें थोड़ा सा तीखापन, थोड़ा सा फूलों का एहसास और हल्की सी मिठास को इंजॉय करेंगे विद दैट बेस ऑफ लेदर। बिल्कुल 1 million के परफ्यूम की कॉम्पोजिशन जैसा लगता है। इससे पहले मैं इनके करीम डियो की तरफ बढ़ूं, मैं आपको एक खास चीज इनके ताज सीरीज के डियोज के बारे में बताना चाहता हूं। जो जितने भी इनके जो ये ताज सीरीज के डियोज हैं ये सारे के सारे अल्कोहल फ्री हैं। और अगर करीम डियो की बात करूं, ये डियो बहुत ही ज़्यादा खास है। उसके पीछे क्या रीज़न है वो ये है कि इसके अंदर जो सबसे बढ़िया चीज़ आपको स्मेल करने को मिलती है वो है केसर और चंदन का कॉम्बिनेशन। और आपको तो पता ही है कि जो केसर और चंदन है उनका हमारे कल्चर में या हमारे रिलीजन में कितना अहम रोल है, और इसीलिए ये खुशबू इतनी ज़्यादा खास है क्योंकि ये आपको उनकी याद दिलाती है। और जो ये केसर और चंदन की खुशबू है, जो उसका ब्लेंड है, आपको आखिर तक महसूस करने को मिलेगा इस डियो के अंदर जिसका नाम है करीम। बाद में ये खुशबू थोड़ी सी और गहरी हो जाती है, थोड़ी सी और डीप हो जाती है। अगर उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, कभी आपने वो केसर और चंदन का पेस्ट अगर स्मेल किया हो, अगर उसकी खुशबू ली हो, तो आपको उसकी खुशबू इस डियो के साथ बहुत ही ज़्यादा मिलती जुलती दिखेगी। आमिर, ये एक ऐसी खुशबू है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल स्मेल करती है। और आमिर एक ऐसा डियो है जो आपको पारंपरिक खुशबू का परिचय देता है, सॉफ्ट, फ्लोरल, वुडी एंड स्वीट। इन चार शब्दों के अंदर पूरी की पूरी जो ये आमिर की खुशबू है वो सिमट कर रह जाती है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और आप मेरा विश्वास मानिए, जो ये वाला डियो है ये आपके त्योहारों के माहौल को और खुशी को दुगना कर देगा। ये इतना बढ़िया एक्सपीरियंस और इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। एंड आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ दीज 4 डियोज आमिर मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। बाय द वे, मैंने ताज सीरीज के जो एरोकैम के ताज सीरीज के इत्र हैं उनका भी डिटेल रिव्यू किया हुआ है। अगर आपको वो चेक करना है तो आप ऊपर बने इन्फॉर्मेशन कार्ड पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत मेरी चॉइस ऊपर नीचे दिखे, बट वो क्या है, मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक यूज़ करते हैं, तो आपकी चॉइसेस भी चेंज होती हैं कहीं ना कहीं। तो इसीलिए इन डियोस मेरा जो स्पेशल डियो है या जो मेरा फेवरेट डियो है उसका नाम है आमिर। अब आती है इनकी कीमत की बात। तो एज ऑफ नाउ ये एरोकैम की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है जिसका एड्रेस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वांटिटी आपको 200 ml मिलती है इनके ताज सीरीज के डियोज में और इसकी जो आपको कीमत पे करनी पड़ती है वो है 250 ₹।
अब फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं इनके एग्जॉटिक सीरीज के 25 ml रोल ऑन इत्रों का। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इन इत्रों में दो चीजें कॉमन है। सबसे पहला तो ये कि ये नो अल्कोहल इत्र हैं, इनके अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ अपैरल यूज के लिए हैं, मतलब आपको इनको स्किन के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने कपड़ों पे इस्तेमाल कीजिए। शुरुआत करें इनकी बॉक्स पैकिंग से, तो जो इनकी बॉक्स पैकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इनके जो बॉक्सेज हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के हैं, जो कि इसकी लुक को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनाती है। खुद के यूज़ के अलावा अगर आप इन्हें किसी को गिफ्ट भी करेंगे तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसे ही हम इस सिलेंड्रिकल बॉक्स के लिड को खोलते हैं, ढक्कन को खोलते हैं, उसके अंदर आपको देखने को मिलती है एक बहुत ही सुंदर ग्लास की 25 ml की रोल ऑन वायल। और इन वायल्स को और भी खूबसूरत बनाते हैं इनके रंग, जो कि अलग अलग हैं हर खुशबू के लिए। बात करें ट्यून इत्र की, ऐसे तो जो मेजॉरिटी रोल ऑन अतर्स होते हैं वो यूनिसेक्स होते हैं, बट अगर ट्यून अतर की बात करूं तो ये एक टिपिकली फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। हालांकि ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि सॉफ्ट होने के साथ बहुत ज्यादा हैवी भी है, तो आपको सिर्फ इसके 2 या 3 एप्लीकेशन ही लगाने हैं। और इसके फ्लोरल नोट्स में भी आपको जैस्मिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली स्मेल करने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली दिस फ्रेग्रेंस इज नॉट फॉर मेल्स, बट ये फीमेल्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है। बात करें इनके ऑटम इत्र की, अब जो ये वाला इत्र है इसको मैं डेफिनेटली यूनिसेक्स बोल सकता हूं, क्योंकि जब आप इसे लगाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा चॉकलेटी, क्रीमी और मिल्की टाइप सा एहसास होता है, जैसे वो कैरामेल की खुशबू होती है। उदाहरण के तौर पर, कभी आपने ब्राउनी के ऊपर जब वो हॉट चॉकलेट को पोर करते हैं, उसको खाने से पहले वो जो खुशबू आती है चॉकलेट की, मीठी मीठी सी, थोड़ी सी थिक, गाढ़ी गाढ़ी टाइप सी, और हल्का सा स्मोकीनेस आपको स्मेल करने को मिलती है, तो आपको इस इत्र के अंदर वैसी ही कुछ खुशबू आने वाली है। और इसको मैं बहुत ही बढ़िया एक ऑफिस वेयर के तौर पर आपको रिकमेंड करूंगा। मुझे लगता है कि इस खुशबू को अगर आप ऑफिस में वेयर करेंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बिकॉज ये एक इनऑफेंसिव टाइप सी खुशबू है। हालांकि इसके जो नोट्स हैं उसके अंदर आपको खूब सारे इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जब मैंने इसको लगाया जो मुझे महसूस हुआ मैंने वो आपको बताया। अगले इत्र का नाम है फर्न। अब जो फर्न होता है वो एक ऐसा पौधा होता है जिसको फूल नहीं लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ पत्ते होते हैं। तो एक चीज बहुत ही ज्यादा श्योर है कि इस इत्र के अंदर आपको वो ताजे हरे पत्तों की खुशबू बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आने वाली है, मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रेश खुशबू है ये वाली। और उस फ्रेशनेस के साथ साथ आपको थोड़ी सी पाउडरीनेस भी स्मेल करने को मिलेगी। बाय द वे, इनके जो एग्जॉटिक सीरीज के अत्र हैं उनके अंदर मैंने एक चीज नोटिस करी है, वो ये कि एक चीज कॉमन है इनके सारे इत्रों में, वो है जैस्मिन का भरपूर इस्तेमाल। और इस इत्र के अंदर भी आपको जैस्मिन की खुशबू बहुत अलग तरीके से आती है, हटके आती है। तो उसके चलते मैं इसको बोलूंगा कि इस इत्र का भी जो मैं आपको इस्तेमाल बोलूंगा वो ये है कि अगर लड़कियां करें तो ज़्यादा बेहतर है, मेल्स के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस इत्र के अंदर वो जो फूलों का एहसास है या जो फूलों के नोट्स हैं उसकी खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इसीलिए लड़कियों को मैं इसको पार्टी वेयर के तौर पर रिकमेंड करूंगा। अब जो ये अमेज इत्र है ये एक बहुत ही कॉमन और जेनरिक टाइप सी खुशबू है। अगर आप इत्र लगाते हैं तो आपने जिंदगी में कहीं ना कहीं या कभी ना कभी इस खुशबू को जरूर स्मेल किया होगा। और जो इसके अंदर प्रिंसिपल नोट्स हैं वो है लिली और एम्बर के। अगेन इट्स अ वेरी गुड फ्लोरल फ्रेग्रेंस, जिसके चलते मैं इसको फीमेल्स के लिए ही रिकमेंड करूंगा, लेकिन फिर भी ये बॉर्डरलाइन मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। जैसा मैंने आपको कहा बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो हो सकता है मेल्स भी इसको पसंद करें। लेकिन इसके साथ साथ एक आपको डिस्क्लेमर बताना चाहता हूँ इस खुशबू के रिलेटेड, वो ये कि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी और भारी टाइप सी फ्रेग्रेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी सिर्फ 2 या 3 बूंदे ही काफ़ी हैं पूरे दिन के लिए। अगर आप इसको हद से थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेंगे तो हो सकता है आपको सर दर्द का भी सामना करना पड़े। अगले इत्र का नाम है अफेयर, और इन सब इत्रों में से ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो हूबहू जन्नतुल फिरदौस जैसी लगती है। जन्नतुल फिरदौस एक ऐसी खुशबू है जो कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी है। तो अभी तक अगर आपने जन्नतुल फिरदौस की खुशबू का मज़ा नहीं लिया है तो आपको इनके अफेयर इत्र को ट्राई करना ज़रूर बनता है, क्योंकि ये एक ऑलराउंडर इत्र है। इसके अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की खुशबुओं का मज़ा लेने को मिलेगा, थोड़ा सा तीखापन मिलेगा, थोड़ी सी फूलों की महक आएगी, खट्टे नोट्स का एक्सपीरियंस होगा, और कहीं ना कहीं प्लेजेंट वुड नोट्स भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। और इन इत्रों को खरीदने के लिए आपको एरोकेम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। और उसकी जो प्राइस आपको पे करनी पड़ती है, इन इत्रों की जो क्वांटिटी आपको 25 ml की मिलती है उसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ती है 299 rupees।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो जो कि एरोकैम के अभी हाल ही में लॉन्च किए गए ताज सीरीज के डियोज और इनके एक्जॉटिक सीरीज के 25 ml रोल ऑन अत्तर्स के ऊपर बेस था, जहां पे मैंने एक छोटा सा आप एक एफर्ट किया है आपको हल्का सा इनके ब्रीफ रन थ्रू करवाने का, थोड़ा सा उनके बारे में बताने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको इनमें से किसी का डिटेल रिव्यू चाहिए तो वो भी जरूर कमेंट करके बताइए। इससे पहले मैं आपकी इजाजत लूं, आई जस्ट वॉन्ट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टिल नेक्स्ट टाइम एंजॉय लाइफ, टेक केयर।